भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भाइयों बहनों, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश अभिभूत है, उद्वेलित है और आनंद का उत्सव मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच में पाकर के मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर आज के श्लोकार्पण कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मान्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री मान्य श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, मान्य श्री पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सूर्य प्रताप शाही जी, जय प्रताप सिंह जी, दारा सिंह चौहान जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, संजय निषाद जी, गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, रविंद्र कुशवाहा जी, जगदंबिका पाल जी, विजय कुमार दुबे जी, जय प्रकाश निषाद जी, श्री प्रताप शुक्ला जी, प्रवीण कुमार निषाद जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री हरीश द्विवेदी जी, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और भारी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए
पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सूद लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना यह नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बड़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये लगातार ये माना जाता था कि यहां पे बीमारी है। पहले मलेरिया के कारण, फिर यहां पर काला जार के कारण, इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार मौतें होती थी, हजारों मौतें होती थी, तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हजारों मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बनकर के इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। आज उत्तर प्रदेश 17 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने जा रहा है। 17 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वैक्सीन अब ले चुके होंगे और देश के अंदर 130 करोड़ लोग फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। दुनिया का वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा कैंपेन अगर कोई वर्तमान में चला रहा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में भारत चला रहा है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भाइयों बहनों, 2014 के पहले यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था और आज गोरखपुर में एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया और उद्घाटन 2019 में इसी भूमि पर किया था। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो गया है, सिद्धार्थनगर और बस्ती के मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुके हैं, बलरामपुर में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, गोंडा में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो रहा है, बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या का मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो चुका है। आज आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज की एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला, 2014 तक उत्तर प्रदेश में
सरकारी और निजी क्षेत्र में केवल 17 मेडिकल कॉलेज थे, 12 जनपद इससे मात्र आच्छादित थे। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज हैं और 16 जनपदों के लिए भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। कोरोना प्रबंधन, दुनिया ने प्रधानमंत्री मोदी जी की संवेदना और उनके नेतृत्व को लोहा माना है, एक आदर्श के रूप में माना है, दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आज भाइयों बहनों, गोरखपुर में ही जब इंसेफ्लाइटिस के मरीज आते थे तो यहां से सैंपल जांच करने के लिए NIB पुणे भेजना पड़ता था। जब तक एक कंफर्म होता था कि ये इंसेफ्लाइटिस है, तब तक मरीज या तो मर चुका होता था या फिर वह शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता का शिकार हो जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आज उनके कर कमलों से गोरखपुर की रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर का भी, जिसमें कोरोना के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया और तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज के जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी, उसका भी उद्घाटन और यहां पर आज लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आज यहां पर लोकार्पित होने वाली योजनाएं देश के आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में और चोरी चोरा के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर देश की खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। और इस नई तस्वीर को प्रस्तुत करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आज गोरखपुर की धरती पर आप सभी भाइयों बहनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने उद्बोधन में